पब्लिक चैनल से। दोस्तों मुंडा कोसा के अंदर आज एक बहुत बड़ी समस्या है बैंकों का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो शुरू से जो एक बैंक है वही बैंक यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रांच ना HDFC का है ना ICICI बैंक का है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, आज आप ICICI बैंक या HDFC बैंक कलवा में है, कारेगांव में है, टाना में है, आप यहाँ पर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो इतने सारे लोगों के मुमरा के लोग जो है, जो मुमरा के वासी है, इनका अकाउंट वहाँ पर है और वहाँ मुमरा से वहाँ जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैं ICICI बैंक का आज खारेगांव के अंदर एक ब्रांच है छोटा सा, लेकिन आज वहां पर जाओ तो वहां एक भी आदमी नहीं दिखते है, और अगर वहां कोई दिखता भी है तो मुमरा की ही पब्लिक रहती है, मुमरा के कस्टमर उनके रहते हैं जो उनके अकाउंट वहां पे चालू है, तो यहां से उनको जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो ये न्यूज के माध्यम से मैं ब्रांच को बताना चाहता हूँ, जो इनका मेन हेड ब्रांच है चेन्नई में या जहां भी है इनका मेन ब्रांच है, वहां से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक ब्रांच जो है मुमरा में ICICI बैंक का खोला जाए, और उसको खोलने के लिए हम लोग उसकी हेल्प करेंगे, अगर कुछ उनको जगह की जरूरत है या जो भी चीजें हैं हम उनको जरूर हेल्प करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ रहती है यहाँ के बैंकों में। अच्छा दूसरी चीज है क्या है, यहाँ के जो बैंक के अंदर जिनके खाते है ज्यादातर करके यूपी के लोग है, और वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो वो पढ़े लिखे नहीं रहते तो उनको बैंक जो है कुछ भी उनको मतलब बेवकूफ बना देती है, कुछ भी उनको बता देती है, उनका ही पैसा उनको निकालने नहीं मिलता है, उनका ही पैसा बोलते हैं निकालो मत, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये उनको समझता भी नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बैंक के अंदर फॉर्म भी अगर भराने का है तो भी वो दूसरे से भरवाते हैं, चेकबुक अगर करने का है तो भी दूसरे से भरवाते हैं, तो उनको बेचारे को पढ़े लिखे नहीं है तो उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। लेकिन जब ICICI बैंक एक आ जाएगी मुमरा में तो एक वो बैंक ऐसी है कि लोगों को कॉपरेट करती है और एक सही ढंग से हर चीज का कस्टमर को सर्विस देती है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।